हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि मैं चिलर यूनिट का जो पंप रूम है उसकी वीडियो अपलोड करूँगा, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन लाइनों में जो हमारा चिल वाटर चलता है पूरी बिल्डिंग में, तो उसके लिए हमें पंप की नीड होती है। तो जो इसका पंप लगा है उस पंप की आज मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगा। तो अभी हम चलते हैं पंप रूम की तरफ। ये हमारा जो लाइन है इसके अंदर चिल वाटर चल रहा है इस यूनिट का। तो पार्ट वन वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल और सारी डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दी हुई है। हाँ, तो गाइज हम आ गए हैं पंप रूम के अंदर। आपने देखा था उस चिलर के अंदर से जो लाइनें आ रही थी ठंडे पानी की, चिल वाटर की, वो यहाँ पर आ रही हैं। और ये हमारा पंप है, इस पंप के ज़रिए हमारा जो चिल वाटर है वो पूरी लाइनों में सप्लाई हो रहा है पूरी बिल्डिंग में, जिसकी मदद से एफसी यूनिट पूरी रूम को, पूरे हॉल को चिल करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी बड़ी हॉर्स पावर की हैवी मोटर लगाई हुई है, क्योंकि चिलर भी बड़ा है, मोटर भी बड़ी है, सारी चीज़ें प्रेशर वगैरह के हिसाब से होता है। आप देख रहे हैं ये पूरी लाइनों में हम लोगों ने कोडिंग करी हुई है, ये जितनी भी लाइन है इन सब में कोडिंग की हुई है हम लोगों ने, ताकि पानी की वजह से ख़राब ना हो। तो ये हमारा मीटर होता है, ये हमें शो करता है कि अभी वाटर का जो लेवल है कितने बार पे चल रहा है, कितने PSI पे चल रहा है। और PSI की फुल फॉर्म होती है पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ये आपने मीटर भी देख लिया है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ये 3 मोटर्स हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर की भी हैं, जो पंप जो है देखें अभी वर्किंग में ही है और ये चल रहा है, ये हमारी बिल्डिंग में वाटर सप्लाई हो रहा है चिल वाटर। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ये देखकर कुछ समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को दिखाऊंगा। थैंक यू। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।